दोस्तों, कल है फादर्स डे और फादर्स डे के लिए मैंने कुछ छोटा सा प्लान किया अपने पापा के लिए और मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल जो कि है रेडमी 9i और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं आप सभी के सामने, ताकि आप अगर नहीं लिए हैं तो ले, और क्या क्या है इसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। सो बेसिकली जो मैंने मंगाया है वो वेरियंट है 4GB रैम का और इंटरनल स्टोरेज जो है वो 64GB का है। और बात की जाए बैटरी की तो ये 5000mAh की इसके अंदर लिथियम बैटरी लगी हुई है और जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेसर है हीलियो का G25। सो एवरेज प्रोसेसर है, हार्ड गेमिंग के लिए ये नहीं बना हुआ है, नॉर्मल गेमिंग से लिए आप इसमें अच्छे से खेल सकते हो, ठीक है। और बात कर ले कैमरे के बारे में तो 13MP का AI कैमरा लगा हुआ है आपके बैक में और 5MP का फ्रंट एंड का कैमरा लगा हुआ है, जो कि एक ऑन एन एवरेज ठीक है, जहाँ कि आजकल आप जो मोबाइल्स देख रहे हो उसके अंदर 3-4 कैमरे लेकर आते हैं, सो उनके प्रेजेंस में थोड़ा कम है, लेकिन मोबाइल काफ़ी अच्छा है। बहुत ही अच्छी इसकी रिव्यू थी, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए मैंने इसे सिर्फ मंगवाया है क्योंकि ये मेरे बजट के अंदर में था। और फादर्स का क्या है कि फ़ोन अक्सर गिरता रहता है, टूट जाता है, तो अगर ये टूटेगा तो खलेगा नहीं। सो आज चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और क्विक अनबॉक्सिंग है। सो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे जितने भी यूज़र्स हैं, यानी कि जो आप लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं, 80% के अप्रॉक्स जो यूज़र्स हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके और हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे सामने लाते रहेंगे वीडियो के थ्रू, जिसने आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, जानकारियाँ मिलेंगी और आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। सो चलिए चलते हैं फटाक से, हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मोबाइल के अंदर डब्बे के अंदर क्या क्या आपको मिला है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा फ्लिपकार्ट की तरफ से मिला हुआ बॉक्स, जिसे मैंने पहले ही कट कर लिया था मोबाइल को एक बार चेक करने के लिए, ताकि ये देख सकूं कि इसके साथ मोबाइल मिला है या नहीं, क्योंकि कई बार एम्प्टी बॉक्स आने के भी चांसेस हो जाते हैं ऑनलाइन डिलीवरी में। तो कर लेते हैं इसे हम साइड, और ये है हमारा बॉक्स जो कि मैंने रेडमी 9i खरीदा है अपने पापा के लिए। आपको बताया मैंने फादर्स डे पे गिफ्ट कर रहे हैं अपने फादर को, तो देख सकते हैं 4GB की रैम का वेरिएंट है, 6GB वाला अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं वही लेता, ठीक है। तो 4GB का रैम है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज इसमें मुझे मिली है और सी ब्लू वर्जन है, मतलब ब्लू वर्जन मैंने लिया है ब्लू डिजाइन में। 5000mAh की बैटरी लगी हुई है और हाई परफॉर्मेंस हीलियो का G25 का प्रोसेसर है, ठीक है। और 5MP सेल्फी AI पोर्ट्रेट में ये सपोर्ट करता है जो प्रोसेसर है आपका, ठीक है। और MIUI 12 है इसमें, ऑलरेडी एंड्रॉयड 10 वर्जन में ये है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी फटाक से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और ध्यान रखिएगा ये 4G है ना कि 5G, तो ये ड्यूल वोल्ट को सपोर्ट करता है, वो 5.5 है, तो ये कम्प्लीटली 4G मोबाइल है। तो इसे हम कर लेते हैं कट, तो ये कट चुका है और खोलते हैं आपका मोबाइल। और अगर आप इसे लेना चाहते हो, ये कम बजट में बहुत ही अच्छा है, 8299 का ये मुझे पड़ा है। तो ये है देखने में मोबाइल, और मोबाइल काफ़ी अच्छा है, इसे तुरंत हम कर लेते हैं शाइनिंग, देख सकते हैं ब्लू वर्जन में है, थोड़ा शाइनी है, ग्लॉसी आपका स्किन है इसका। और बात करें फिंगरप्रिंट की तो इस पर बिल्कुल भी फिंगर का आपका धब्बे नहीं आने वाले हैं, सो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है इसका। अभी तक के जितने मोबाइल मैंने देखे हैं उससे तो काफ़ी बेटर है, किसी भी प्रकार की आपकी फिंगर्स की निशान इसके ऊपर नहीं आने वाली है, सो बेटर है। और सामने देख सकते हैं ये, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6.50 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, तो 6.5 इंच के डिस्प्ले में ये आता है, काफ़ी अच्छा है। और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो सिम इजेक्टर टूल है आपका इसमें और शायद डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो रेडमी में किसी भी तरह का कोई टेम्पर्ड ग्लास या फिर बैक कवर नहीं आता है, ये सबसे बुरी बात है इसमें, रियलमी और बाकी कंपनियों में तो मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं मिलता है। तो चार्जर देख लेते हैं एक बार, ये भी MI का चार्जर है आपका, और फास्ट चार्जर ये नहीं है, स्लो चार्जर है। तो 8000 में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, ये तो मैं भी जानता था, ठीक है। और डाटा केबल की बात की जाए तो वही छोटा सा डाटा केबल है, नॉट सो लॉन्ग, सो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं मोबाइल की जो फर्स्ट लुक है वो कैसा है, एंड आई होप कि बैटरी इसमें हो। सो ऑलराइट, चार्ज ये शुरू हो गया है और बैटरी है इसमें लकीली, तो चलिए अभी हम देखते हैं इसको बूट करके कि क्या इसमें
यूआई कैसा है और लुक कैसा है इसका। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हमारा वही होता है मोबाइल्स के वर्जन में। सो देख सकते हैं एमआई यूआई का आने लगा इसके ऊपर। सो मैं अभी इसे फिलहाल उकाचूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टेम्पर्ड ग्लास नहीं है। सो जब तक मैं टेम्पर्ड ग्लास नहीं ले लेता तब तक मैं इसी से काम चलाऊंगा। तो मैं इसे उकाचूंगा नहीं और इसी के साथ चलाऊंगा इस मोबाइल को। तो देख सकते हैं काफ़ी तेज़ इसका जो बूटअप है, पहला बूटअप बहुत ही फास्ट हुआ है और MI UI 12 के नाम से आपको दिखने लगा। आई थिंक इससे उकाचना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर लिखा हुआ Redmi आ रहा है तो मे बी आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। तो ये है Redmi का, मैंने इसे हटा लिया। तो चलिए बूट करते हैं, इंग्लिश चूज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंडिया हमारा रीजन है, हम सब इंडियंस हैं तो हमने टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं क्योंकि सिम कार्ड अभी नहीं है मेरे पास। तो आगे बढ़ते हैं और वाईफाई बोलेगा तो चलिए वाईफाई क्विक वाईफाई पासवर्ड डाल लेते हैं और ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, काफी तेज इसका बूटअप है, काफी तेज ये बूटिंग कर रहा है। और अर्लियर जो मैंने पहले इससे जो मैंने Redmi का इस्तेमाल किया उसमें काफ़ी टाइम लेता है आपका जो पहला बूटअप होता है तो स्टार्ट होने में काफ़ी वक्त लेता है। सो ये थोड़ा फास्ट है उनके कंपैरिजन में और अभी अपडेट्स ही चेक कर रहा है। सो फटाक से अपडेट हो जाता है तो फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, बूटअप कम्प्लीट हो गया है और देख सकते हैं इसकी UI कुछ ऐसी है देखने में और लैगिंग नहीं है कोई भी, अच्छा फ़ोन चल रहा है। और स्पीड अगर मैं नेट की बात करूँ, मेरा 50 Mbps का प्लान है और करेंटली जो स्पीड आ रही है इंटरनेट की वो 50 की मुझे मिल जा रही है। सो ये अच्छी चीज़ है कि जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छा इसमें मुझे मिल रहा है। मेरे जो पुराना MI का मोबाइल है उसमें 30 क्रॉस ही नहीं करता है कभी। सो ये LTE काफ़ी अच्छा है। सो इस मायने में ये फ़ोन बढ़िया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप में से किसी को भी लिंक लेना हो तो मोबाइल खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। आइए एक बार कैमरा देख लेते हैं इसका कैमरा कैसा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। सो उस लिहाज से कैमरा भी ठीक है और एक फोटो ले लेता हूं मैं और एक पोर्ट्रेट मोड में ले लेता हूं। इसकी क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है। सो क्वालिटी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जूमिंग है, ज़्यादा फट नहीं रही है, फट तो रही नहीं है तो ज़्यादा कम की बात नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी है। इसकी जूमिंग भी अच्छी है, आप इसके साथ जा सकते हैं। और ये पोर्ट्रेट वाला था ये देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 13 मेगापिक्सल और 8000 में इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से वन पैक अच्छा मोबाइल है, इसके साथ आप जा सकते हो। यदि आप जाना चाहो और आप कम बजट में एवरेज मोबाइल लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप MI के साथ ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज MI काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और काफ़ी चलने वाली ब्रांड है। अच्छा इसका सपोर्ट है, अच्छी इसकी हर सिटी में लगभग आपको सर्विस सेंटर मिल जाती है तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अदर्स कंपनी के कंपैरिजन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर करें। जो भी नई नई आपकी रेडमी की मोबाइल खरीदना चाहता है उसको लिंक शेयर करें ताकि वो देखे इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत ही जनरल से अनबॉक्सिंग करते हैं हम, कोई भी एडिटिंग बहुत हाई लेवल का नहीं है, जो है वो आपको रियल दिखाते हैं ताकि जो हम खोलें जो हम देखें वो रियलिटी के साथ आपके सामने दिख सके। तो कम्प्लीटली अनबायस्ड होता है, किसी भी तरह का इसमें कुछ पक्ष नहीं रखते, जो है फैक्चुअल आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में नए रिव्यूज़ या फिर नए टेक्निकल न्यूज़ के साथ या फिर किसी कंपनी की नई स्कैम्स को लेकर आपके सामने आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे सेफ एट होम, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।